मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है पाठ्यक्रम मूल्यांकन, जिसका फर्स्ट पार्ट मैं आपको डाल चुकी हूँ, अपलोड कर चुकी हूँ। और मुझे इससे पहले मैं वीडियो शुरू करूँ, उससे पहले मुझे आपको एक बात बतानी है। क्या आप लोग देख रहे होंगे कि मेरे वीडियो में कुछ अलग टॉपिक से रिलेटेड वीडियोज़ पढ़ रहे हैं मेरे चैनल पर। वो एक्चुअली में ये है कि ये जो मेरा UGC नेट है या UPSI जो है, वो मेरे पर्सनल वीडियो हैं जो कि मैं खुद से डालती हूँ, ठीक है। बाकी की जो वीडियो मैं अपलोड कर रही हूँ, वो वीडियो मेरे स्कूल से रिलेटेड हैं, जहाँ पे मैं टीचिंग करती हूँ। तो मुझे वहाँ पे अपलोड करने के बाद मुझे उस लिंक को बच्चों को शेयर करना होता है, इसलिए मैं यूट्यूब पर पहले उसको अपलोड करती हूँ, ठीक है। तो लेकिन अब बात यह है कि टाइम काफ़ी कम रह गया है, अब से जो है मैं डेली आपको जो है इसके वीडियो जो है अपडेट करूँगी। डेली आपको वीडियो मिलेंगे UGC नेट के, क्योंकि अब सिलेबस मुझे जल्द से जल्द इसको पूरा कराना है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। इसका फर्स्ट पार्ट अपलोड हो गया है, जिसने नहीं देखा है वो मेरी प्लेलिस्ट में जाकर UGC नेट की जो पुरानी वीडियोज़ हैं उसको आप सब लोग देख सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहला आपका है पाठ्यक्रम मूल्यांकन। पाठ्यक्रम मूल्यांकन क्या है, ये मैंने पूरी एक PDF है, इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, और मैं आपको यहाँ पर सिर्फ जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वही यहाँ पर आपको बताऊँगी, बाकी का आप PDF में देख लीजिएगा, ठीक है। पाठ्यक्रम मूल्यांकन क्या है, पाठ्यक्रम निर्माण का अंतिम सोपान, संपूर्ण प्रक्रिया का उद्देश्यों की प्राप्ति की दृष्टि से मूल्यांकन करना है, ठीक है। उद्देश्यों के निर्धारण एवं स्पष्ट कथन, अधिगम अनुभवों एवं अंत वस्तु के चयन तथा अंत वस्तु के संग्रथन एवं संगठन के पश्चात पाठ्यक्रम को कार्य रूप दे दिया जाता है। अब यहाँ पर जो है पाठ्यक्रम के मूल्यांकन का तात्पर्य यह है कि जो शैक्षिक प्रयासों के परिणाम स्वरूप उत्पन्न व्यवहारगत परिवर्तनों की जो प्रकृति होती है, उसमें दिशा तथा सीमा के प्रमाण प्राप्त करना ही पाठ्यक्रम प्रक्रिया के पक्षों में सुधार लाने के लिए जो मार्गदर्शक यानी कि मार्ग दिखाया जाता है उससे प्रयुक्त करता है। इस मूल्यांकन पाठ्यक्रम मूल्यांकन के लाभ क्या होते हैं, इससे विद्यार्थी से अपेक्षित तथा उनमें हो चुके व्यवहारगत परिवर्तनों की तुलना की जाती है। मान लीजिए आपने बच्चों को जो भी कुछ पढ़ाया, ठीक है, अब आप लास्ट में जाके उसका मूल्यांकन करेंगे कि उस बच्चे ने, आपने जो उसको समझाया है, उसको जो एजुकेशन दी है, उस बच्चे ने उससे क्या सीखा है ना, तो उसमें उसके कितना व्यवहार में परिवर्तन आया है, उसमें कितने चेंजिंग आए हैं, इस चीज़ को हम देखते हैं, इन परिवर्तनों से उसकी तुलना की जाती है। फिर है हमारा मूल्यांकन की भाषा। पाठ्यक्रम मूल्यांकन जो है अंकित बिंदुओं के समान मूल्यांकन के आधार पर ये निर्णय किया जाता है कि जो कुछ भी प्राप्त हो चुका है उसके आगे कैसे बढ़ाया जाए, जिसकी प्राप्ति नहीं हो सकती उसके लिए किस तरीके से परिवर्तन किया जाए। मान लीजिए जिस बच्चे ने, अगर आपने कुछ बताया और उसको फिर भी समझ में नहीं आया और उसने कुछ नया नहीं सीखा और उसमें कोई भी चेंजिंग नहीं आए, तो आपको नई कोई ऐसी तकनीकी में परिवर्तन करना पड़ेगा जिससे कि उस बच्चे को हम सिखा सकें। अब है आपका मूल्यांकन मापन एवं परीक्षण क्या है। मूल्यांकन एक गुणात्मक प्रक्रिया होती है। मूल्यांकन कैसी प्रक्रिया होती है, गुणात्मक प्रक्रिया होती है, जो कि सबसे अधिक व्यापक एवं संकल्पना होती है। इसके अंतर्गत अपेक्षित एवं प्राप्त उद्देश्यों की तुलना की प्रक्रिया के साथ साथ परिवर्तनों की प्रकृति एवं वांछनीयता के बारे में निर्णय करना भी सम्मिलित है इसमें। इस मूल्यांकन में जाने की जो बच्चों ने जो परिवर्तन हुए हैं उनको और जो नहीं हुए हैं उनको, उसके बारे में जानना जरूरी होता है। शैक्षिक उद्देश्य से सीधा संबंध होता है इसका। अलग अलग किंतु समान वर्गों के लिए अधिगम अनुभव एवं विषय सामग्री के एक से अधिक समूह प्रयुक्त किए जाने से ये परीक्षण किया जाता है। अब मूल्यांकन के अंतर्गत मापन एवं परीक्षणों का प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ पे ये आपको नोट डाउन रखना है अपना, कि मूल्यांकन के अंतर्गत ये आपको अपना ध्यान रखना है, ये टॉपिक है इम्पोर्टेंट, कि मूल्यांकन के अंतर्गत मापन एवं परीक्षणों का प्रयोग किया जाता है। मूल्यांकन की प्रक्रिया गुणात्मक के साथ साथ परिणामात्मक भी होती है। अब यहाँ पे ये मूल्यांकन की परिस्थितियों पर निर्भर करता है कि मापन परीक्षण का एक सीमित रूप है। कैसा है, सीमित रूप है। ये किसी मापक पैमाने पर आधारित होता है। मापक तथा परीक्षण के द्वारा कुछ विशिष्ट गुणों की जानकारी प्राप्त की जा सकती है। कैसे, अगर हम किसी चीज़ को मापते हैं तो हम कुछ ही चीज़ों को जान सकते हैं, जैसे कि ऊंचाई, भार, बुद्धि, लब्धि आदि। किंतु मान लीजिए ईमानदारी है, आत्मविश्वास है, सुंदरता है, अब यहाँ पर आपने गुणों को आप नहीं नाप सकते, लेकिन जो मापने की चीज़ है उसको माप सकते हैं। सुंदरता है, गुणों का मापन नहीं किया जा सकता। मापन एवं परीक्षण की प्रविधियाँ सीमित होती हैं।
कैसी होती हैं? सीमित होती हैं। यही छोटे छोटे क्वेश्चन जो होते हैं इनसे ही क्वेश्चन बन जाते हैं। मापन एवं परीक्षण की विधियाँ कैसी होती हैं? सीमित होती हैं। मापन में परीक्षणों का ही प्रयोग होता है जबकि मूल्यांकन में अनेक विधियों का प्रयोग होता है। मापन में क्या होता है? मापन में सिर्फ परीक्षणों का प्रयोग होता है, ठीक है, लेकिन मूल्यांकन में अनेक विधियों का प्रयोग होता है, जैसे परीक्षण, रेटिंग, निरीक्षण, साक्षात्कार, अनुसूची, प्रश्नावली आदि। तो शिक्षा के निदान के लिए किया जाता है, जबकि मूल्यांकन जो है प्रक्रिया की प्रभावशीलता एवं गुणों के स्तर को ज्ञात करने के लिए किया जाता है। अब हमारी मूल्यांकन की कुछ कार्यक्रम की कुछ विशेषताएं आती हैं। कौन कौन सी विशेषताएं हैं? देखिए, सबसे पहले है आपकी क्रमबद्धता, निश्चितता, वस्तुनिष्ठता, विश्वसनीयता, वैधता, व्यवहारिकता, व्यापकता, शिक्षार्थी की सहभागिता। क्रमबद्धता में क्या आता है? मूल्यांकन के कार्यक्रम में क्रमबद्धता या क्रमबद्ध का विशेष महत्व होता है। किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए किए जा रहे प्रयासों एवं कार्य के एक सोपान के पश्चात उसकी जांच या परीक्षण करने से प्राप्त निष्कर्षों का जो उद्देश्य में सुधार लाने या आगामी सोपान या पद के निर्णय लेने के लिए जो लाभ होता है वह इसमें होता है। मूल्यांकन में क्रमिकता न होकर शिक्षार्थी या कार्यकर्ता को अपनी प्रगति के बारे में कोई सूचना नहीं मिल पाती है। नेक्स्ट है आपका वस्तुनिष्ठता। एक उत्तम परीक्षा का वस्तुनिष्ठ होना आवश्यक होता है। सबसे उत्तम परीक्षा कौन सी रहती है? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की मानी जाती है। उसके लिए जो है वस्तुनिष्ठ होना आवश्यक होता है। वस्तुनिष्ठता का अर्थ यह है कि मूल्यांकन में व्यक्तिगत पक्षों का प्रभाव नहीं होता है, क्योंकि वस्तुनिष्ठ में कोई भी व्यक्तिगत पक्ष नहीं होता क्योंकि वह वस्तुनिष्ठ होता है। स्पष्ट एवं ज्ञानात्मक क्षेत्र में मूल्यांकन में वस्तुनिष्ठता जो है वो भावात्मक क्षेत्र की तुलना में अधिक होती है। ज्ञानात्मक क्षेत्र में ये उच्च स्तर की अपेक्षा निम्न स्तर पर अधिक वस्तुनिष्ठ होती है। ठीक है, ये इसके सारे पॉइंट दिए हुए हैं, आप पढ़ लीजिएगा। बहुत गर्मी हो रही है और मेरी तबीयत बहुत ऐसी लग रही है कि गर्मी की वजह से ना मेरी तबीयत ख़राब हो रही है, क्योंकि मैंने फ़ैन ऑफ कर रखा है और बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है। पाठ्यक्रम मूल्यांकन के कुछ दृष्टिकोण में बता देती हूँ। निर्माणात्मक मूल्यांकन होता है, इसमें यदि पाठ्यक्रम की जनता के प्रति जवाबदेही होती है तो पाठ्यक्रम मूल्यांकन औपचारिक होता है। कैसा होता है? औपचारिक होता है। ये निर्माणात्मक मूल्यांकन है, इसमें वस्तुनिष्ठता जो है प्रामाणिकता और प्रासंगिकता होती है। ठीक है, संकलात्मक मूल्यांकन क्या होता है? निर्माणात्मक मूल्यांकन शिक्षार्थी की सहायता करने और शिक्षक द्वारा समस्या का हल करने से संबंधित प्रेक्षुओं की दुर्बलताओं का, प्रेक्षुओं यानी कि जो स्टूडेंट है यानी कि जो छात्र है उसकी दुर्बलताओं का पता लगाता है इसमें। ठीक है, परीक्षण यानी कि टेस्ट। निर्माणात्मक मूल्यांकन में परीक्षण किसी भी पाठ्यक्रम के दौरान सुनिश्चित अंतर पर नियमित रूप से किया जाता है। फिर है हमारा नेक्स्ट, ये कुछ महत्वपूर्ण इसके कार्य दिए गए हैं। निर्माणात्मक सामान्यकरण का स्तर और ये है आपका EOEP के संदर्भ में कार्य, ये देख लीजिएगा आप। मूल्यांकन परिणामों की व्याख्या क्या होती है? पाठ्यक्रम मूल्यांकन के परिणामों की व्याख्या विभिन्न प्रयोजनों से की जाती है, जैसे कि निर्देशन, समाप्ति। वन मिनट में जरा अपना पसीना पूछ लो, बहुत ज़्यादा वो लग रही है गर्मी। विभिन्न प्रयोजनों से की जाती है, जैसे कि निर्देशन, संप्राप्ति इत्यादि। इसे प्रेक्षुओं के प्रतिनिधि संगणकों जैसे कि रिप्रेजेंटेटिव सैंपल्स लेकर पाठ्यक्रम के कुछ अंशों की सफलता की परीक्षा की जाती है, जैसे कि विषय वस्तु है। विभिन्न विषयों की विषय वस्तु पाठ्यक्रम के प्रयोजन के लिए कहाँ तक अनुरूप है इसके बारे में देखते हैं, अनुभव देखते हैं, कौशल क्या है, अभिवृत्तियाँ एवं मूल्य, विभिन्न क्षेत्र, ये सारी चीज़ें आपकी होती हैं। तो ये था आज का वीडियो। आज आपकी जो है यूनिट 5 कंप्लीट हो गई है और कल हम करेंगे यूनिट 6। अब आप लोगों को करना क्या है, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना और कमेंट बॉक्स में मुझे बताना कि कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।